नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक मंथली रीडिंग, जो होगी आपकी पूरे महीने की वक्त कैसे जाने वाला है। वैसे हम जैसे वीकली रीडिंग छोड़ते हैं वो तो छोड़ेंगे ही, लेकिन ये एक मंथली रीडिंग होगी जिसमें हम देख सकते हैं आपकी पूरा मंथ का एनर्जी कैसे रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइंस, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि, पहले हम देखेंगे मार्च की महीने में आपकी ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है। मार्च में फाइव ऑफ कॉइंस का कार्ड, मुझे लगता है आप किसी चीज़ से दुखी या परेशान रह सकते हो, चाहे वो पैसों को लेके परेशानी हो सकता है। हो सकता है आप किसी जॉब में या फिर बिजनेस में या फिर किसी रिश्ते में, ये लव रीडिंग नहीं है फिर भी जो आएगा मैं बताती जाऊंगी, को लेके आप थोड़ा दुखी थोड़ा परेशान रह सकते हो। आपको लग सकता है कि इस चीज़ को छोड़ के निकल जाना ही अच्छी है। अभी देखते हैं कि पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी, मार्च की महीने में आपका एनर्जी कैसे रहेगा ये हम देखेंगे। अभी देखेंगे ओवरऑल एनर्जी, हमने देखा है कि आप थोड़ा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, किसी चीज़ को छोड़ के आपको जाने की मन करेगी, आप मेंटली थोड़ा परेशान रह सकते हो। अब देखते हैं पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी। एट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, पास्ट में आप किसी चीज़ से थोड़ा परेशान थे, मेंटली आपको लग रहा था कि मैं किसी मेंटल जेल में हूँ, किसी चीज़ से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ या चाहता हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पा रही हूँ, मुझे इस चीज़ ने जकड़ के रखा हुआ है, मैं क्या करूँ, मैं निकलना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन निकल नहीं पा रही हूँ, ऐसी मानसिक स्थिति आपकी पास्ट में थी। और आपको लगता है कि किसी चीज़ के साथ आपको ज़बरदस्ती रखा गया है, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, किसी चीज़ के साथ आप खुद को ज़बरदस्ती बंधा हुआ महसूस कर रहे थे पास्ट में। अभी क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों आया है एट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, क्यों आपको लग रहा था कि आपको किसी चीज़ के साथ ज़बरदस्ती बंधा जा रहा है। कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, टू ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है कि आप जिस आप अगर किसी रिश्ते में, किसी जॉब में, कहीं भी, खास करके मुझे लग रहा है कि प्यार का मामला हो सकता है क्योंकि टू ऑफ कप्स का एनर्जी आया है, कार्ड आया है और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है पास्ट की आपकी एनर्जी ऐसी इसलिए थी क्योंकि आप जिसको अपना सोलमेट समझ रहे थे, आप जिस चीज़ को अपना समझ रहे थे, अपना प्यार समझ रहे थे, चाहे वो कोई इंसान हो, जॉब हो, रिश्ता हो, किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अपना समझ रहे थे, या फिर रिश्तों में, प्यार में आप जिसको अपना सोलमेट समझ रहे थे, जिसके तरफ आपका प्यार हमेशा रहता था, जिस चीज़ की तरफ आपको हमेशा एक आकर्षण प्यार रहता था, लेकिन उसी चीज़ से मुझे लगता है पास्ट में आपको मूव ऑन करना पड़ा या फिर करने की एनर्जी मुझे आ रही है। हो सकता है पास्ट में आपने किसी अपने ही प्यारे चीज़ से मूव ऑन किया है क्योंकि आपको लगता है कि इस रिश्ते में रह के आपको जो मिलना चाहिए ये नहीं मिल रहा है, जो प्यार आपको मिलना चाहिए, जो रेस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और इसीलिए आप उस चीज़ से मूव ऑन किया है आपने। लेकिन आप मूव ऑन करते हुए भी खुद को उस चीज़ से अलग नहीं कर पा रहे थे,
पास्ट की जो आपकी एनर्जी है वो यही दिखा रहा है कि आप पास्ट में किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, जॉब हो या फिर बिजनेस हो, किसी ऐसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहते थे और आप उस चीज़ को अपना ज़िंदगी बना लिया था, आपने मान रहे थे, लेकिन आप उस चीज़ से आपके अनुसार रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था, इसके कारण आपको उस चीज़ से मूव ऑन करना पड़ा। अभी देखते हैं करंट आपका एनर्जी कैसा है, मार्च के महीने में करंटली आपकी एनर्जी कैसा रहेगा। वैसे हम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जो रीडिंग करते थे उसको अगर हम देखें तो हम मंथली रीडिंग में भी उस तरह से आपको गाइड कर देंगे, कर भी रहे हैं। तो अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, प्रेजेंट में आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, अपने पैसा, अपने पोस्ट, ये सारी चीज़ों के लिए आप प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या फिर करोगे। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। अगर हम किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी पर क्यों ध्यान दे रहे हो, क्यों आपको लगता है कि जो कुछ भी मिलना होगा वो मेहनत करके ही मिलेगा। देखते हैं अगर हम किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड नाइट टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी रहेगी वो होगी क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी, नाइन ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी। मतलब प्रेजेंट में आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, आप जैसा सोच रहे थे वैसा आपको कुछ नहीं मिला है, इसीलिए आपको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपनी इमोशन को हाइड करना चाहिए या फिर आप अपने चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए चुप्पी साध लोगे, आप कुछ कहोगे नहीं, मैच्योरिटी से सारी चीज़ों को हैंडल करोगे और आप चीज़ों में एक नई शुरुआत भी चाहोगे, चाहे अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप काम कर रहे हो या करोगे। क्योंकि ये जो कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, मुझे लगता है कि आप खुद पर मेहनत करके खुद के लिए एक नया, एक स्टेबल एक जगह तैयार करने की कोशिश करोगे। प्रेजेंट में आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी और प्रेजेंट में आप चुपचाप हर चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, आप अपना इमोशन बोल बोल के लोगों से मिल रहे थे या फिर बात, आपके बात करने की अंदाज से लोगों को ये पता चल जाता था कि आप कितना इमोशनल है, कितना आप मेंटली कितना सॉफ्ट है। इसीलिए प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो अपने आप को आप बहुत ज़्यादा स्टोर कर रहे हो, अपने एनर्जी को स्टोर कर रहे हो, आप रिजर्व हो और रहोगे और आप खुद जो आपके आपको जो धोखा या फिर जो झूठ आपको मिला था उसको आप हील करके एक नई शुरुआत करने की एनर्जी में आप रहोगे। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, फ्यूचर में सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। फ्यूचर में आप खुद पर मेहनत करोगे, आप खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे, खुद की स्टेबिलिटी पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, आपको ये लगेगा जो कुछ भी मुझे पाना है मेहनत से पाना है। हो सकता है पैसों को लेके आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम था पास्ट में तो आप फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहोगे, आप चाहोगे खुद पर मेहनत करके, मेहनत से सब कुछ कमाना, मेहनत से अपने पैरों पे खड़ा होना,
अपने आप को स्टेबल बनाना और आपकी अपनी अपने आप को खुद को प्रायोरिटी देना, यही रहेगा आपका फ्यूचर का जो एनर्जी। अब देखते हैं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि फ्यूचर में आपको क्यों अपने लिए काम करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अगर हम सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखते हैं क्या आता है। कप्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि फ्यूचर में आपको लगेगा कार्ड आया है। सेवन ऑफ कॉइंस का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड। फ्यूचर में आपको इसलिए मेहनत करना आप करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि अगर हम मैं मेहनत करूं और मेहनत से सब कुछ सही कर दूं, अगर मैं इंतज़ार करूं सही वक्त का और अपने आप को बैलेंस करूं, हर चीज़ को बैलेंस करूं, तब मेरे लाइफ में प्यार आ सकता है। या फिर जो आप पहले जैसा कार्ड आया था, सोलमेट का कार्ड देखिए, फिर भी फिर से एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपको लगता है अगर फ्यूचर में भी आप मेहनत करोगे पैसों के ऊपर, खुद पर और सारी चीज़ों को बैलेंस करोगे, तब फ्यूचर में आपके लाइफ में प्यार आ सकता है, जो आप चाहो वो आ सकता है, पैसा आ सकता है। और इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी और ख़ुद को इमोशनली, फिनेंशियली और सारी तरफ से खुद को स्टेबल भी बनाना पड़ेगा, बैलेंस भी लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में जो कुछ भी है सब कुछ सही हो सकता है। जिसके कारण आप दुखी हो, आपका ओवरऑल एनर्जी जो मंथ का आया था, फाइव ऑफ कॉइंस का कार्ड आया था, क्योंकि आप दुखी हो, परेशान हो, तो ये सारे परेशानी जो है, अगर आप फ्यूचर में मेहनत कर रहे हो, करते हो, अगर आप पैसों के लिए मेहनत करते हो और सारी चीज़ों को सही करने की वेट करते हो, खुद पर बैलेंस लाते हो, काम पैसा हर चीज़ में अगर आप बैलेंस कर सकते हो, तो फ्यूचर में जाके आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है। चाहे वो प्यार हो, रिश्ता हो, जॉब हो, जिसको आप अपने दिल के बहुत करीब मानते हो। ये प्यार का रीडिंग तो है नहीं, लेकिन मुझे लगता है प्यार के मामले में भी आपका हाथ थोड़ा तंग है। तो आप अगर प्यार को लेकर परेशान हो या किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो जो आपको बहुत दिल की करीब लगता है, चाहे वो आपका जॉब हो, पुराना जॉब हो या फिर रिश्ता हो, जिसके कारण आप दुखी हो, परेशान हो, तो सारे चीज़ों को अगर आप बैलेंस करते हो फ्यूचर में, तो जाके आपका जो परेशानी है वो ख़त्म हो सकता है और आपको वही पुराना प्यार मिल सकता है। आप किसी चीज़ के नई शुरुआत कर सकते हो, लेकिन आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पैसों के लिए काम करना पड़ेगा और सारी चीज़ों को बैलेंस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके लाइफ में जो कुछ सही नहीं था वो सब कुछ सही हो सकता है। ऐसा आपका फ्यूचर का एनर्जी रहेगा। अब देखते हैं यूनिवर्स ही आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि आपको पूरे मंथ में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए। एरीज यानी मेष राशि के लोगों को पूरे मंथ में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें सारे परेशानी से मुक्ति मिल जाए। तो देखते हैं एरीज राशि के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आता है। द वर्ल्ड का कार्ड, टेन ऑफ कॉइंस का कार्ड और फाइव ऑफ वॉन्स का कार्ड। यूनिवर्स ही आप लोगों से यही बोल रहे हैं कि आप लोग लड़ाई झगड़ा को बंद कीजिए। अगर आप मेंटली परेशान हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो उससे दूर रहिए और अपने जो परिवार है उसके करीब रहिए, परिवार के साथ रहिए और अपने लाइफ की जो जर्नी है उसको एक नया सर्कल में ले जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो पुराना सर्कल था वो ख़त्म होने जा रहा है। और अगर आप इस चीज़ को महसूस करना चाहते हो तो परिवार के साथ वक्त बिताइए। जितना कुछ आपने कमाया है या फिर जो कुछ आपके पास है वो सारे आपके परिवार के कारण ही है, तो परिवार के साथ वक्त बिताइए, परिवार के साथ अपना खुशी बांटिए, घूमने जाइए, घूमिए फिरिए, बाहर जाइए, अपने आप को खुश रखिए और सारे जो परेशानी है उससे खुद को बाहर निकालिए। क्योंकि अगर आप मेंटली परेशान रहोगे, अगर आपको लगेगा
कि मुझे इस चीज़ों को छोड़ के चले जाना चाहिए, इस चीज़ मेरे लिए सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये आपके दिमाग की परेशानी होगी। लेकिन अगर आप दिमाग को शांत रखो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, बेकार की चिंता ना करो, अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ, अच्छी चीज़ें सोचो, घूमने फिरने जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, सजो संवारो, परिवार के साथ रहो, तो सारे परेशानी आपकी ख़त्म हो सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।